पिंडी बटियां जगह जगह गंदगी के ढेर लगे। टीएमए का अमला घर बैठकर तनख्वाहें बटोरने लगा। अवाम अपनी मदद आपके तहत नालियों की सफाई करने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई। पिंडी बटियां कुछ अर्सा पहले इंतजामिया की तरफ से चंद रिक्शे दिए गए थे, फोटो सेशन की गई और खूब नारे लगाए गए थे। अब सफाई के निजाम में बेहतरी आएगी, मगर ये हाल पहले से भी बदतर हो गया है। चंद जिम्मेदार अपने अपने मखसूस इलाकों में सफाई करते हैं, फीगर से 100 रुपया भत्ता वसूल करते हैं और जो घर पैसे ना दे उसके घर के सामने गंदगी का ढेर लगा देते हैं। गलियों मोहल्लों में नालियों की सफाई ना होने से पानी बाजारों में दाखिल होता है, जिसे शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अपनी मदद आपके तहत नालियों की सफाई करते हैं, जबकि सैनिटरी इंस्पेक्टर बाबर और CEO राणा लियास इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं और नाम नेहाद सहूलत बाजार से करप्शन का माल कमाने में मसरूफ हैं। अवाम ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए, मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। मजीद अवाम का कहना है कि अभी तो बारिश नहीं हुई, अगर ऐसी सूरत हाल में एक भी बारिश हो गई तो पानी का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिंडी भटिया में निकासी का पहले ही कोई निजाम नहीं है। रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान ताहिर, TN News।